हरियाणा इलेक्शंस को लेकर ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस बीच वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। मतदान में अब तक 1.5 घंटे का वक्त बीत गया है और सीएम समेत कई दिग्गज जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं। सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। 1031 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। तो सभी 90 विधानसभा सीट्स पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला है। 8 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा। उससे पहले आज एक फेज में पोलिंग शुरू होगी। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करेंगे। तो हरियाणा में किसकी होगी चौधराहट, ये आज वोटर तय करेंगे और इसके लिए मतदान का सिलसिला शुरू है। हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा जींद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या है तस्वीरें जींद में, किस तरह से मतदान हो रहा है? देखिए, मैं जींद की बता दूं तो जींद में 2 सीटें हैं, जो 2 विधानसभाएं हैं वो सबसे ज़्यादा हॉट सीट है, क्योंकि एक उचाना की बात किया जाए तो उचाना से दुष्यंत चौटाला हैं। दुष्यंत चौटाला देखा जाए तो पिछली सरकार में वहाँ पर डिप्टी सीएम रहे थे, और जो जुलाना है वहाँ से यहाँ पर विनेश फोगाट मैदान में उतरी हुई हैं। ये दोनों हॉट सीट हैं, लेकिन दोनों की यदि मैं बता दूं कि दोनों का यहाँ पर वोटिंग नहीं है। विनेश फोगाट चरखी दादरी में उनका वोटिंग है और दुष्यंत चौटाला का भी दूसरी जगह। दूसरी बात, आपने पूछा कि जींद में आखिर में स्थिति कैसी है, क्योंकि 4 विधानसभाएं यहाँ पे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कि सुबह से ही यहाँ पर तांता लगा हुआ है। लोग आकर के और बूथ में आकर के अपना वोट, क्योंकि मैं जुलाना के ही एक प्राइमरी स्कूल पर हूँ जहाँ पर वोटिंग करने के लिए लोग पहुँचे हुए। एक बार बात भी कर लेता हूँ मैं लोगों से। आपने वोटिंग कर दी? आपने अभी नहीं किया? हो गया ना, वोटिंग कर दिया ना आपने? क्या मुद्दा रहा जब गई आप जहन में वोट डालने के लिए? बहुत सारे हैं, ग्रोथ हो यहाँ पे। बिल्कुल राहुल, हम लौटेंगे आपके पास। जींद से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें बल्लभगढ़ जाना होगा। उर्वशी खोना जानकारी मिल रही है, वहां से रिपोर्ट कर रही है, जुड़ गई लाइव। उर्वशी, बल्लभगढ़ की सीट मुकाबला कितना दिलचस्प है? साथ ही साथ उर्वशी ये भी बताइए कि 1.5 घंटे से ज्यादा का मतदान हो चुका है, क्या तस्वीर इस वक्त की? बिल्कुल उर्वशी, मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, बताइए इस वक्त क्या देख पा रही हैं, बल्लभगढ़ से लगातार रिपोर्ट कर रही हैं। एक रोमांचक माहौल यहाँ पे इसलिए दिखने मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो है ही, पर साथ ही में आम आदमी पार्टी भी है। सीधा सिटीजन से बात करेंगे। सर, आप जस्ट वोट करके आए हैं, किस तरह से एक वोट किया, ध्यान क्या दिया है वोट करते वक्त, क्या एक आपको बदलाव चाहिए, एंटी इनकमेंसी या क्या? देखो मैडम, जैसे आपने बताया कि क्या बदलाव चाहिए, बदलाव ये बोलेंगे ऑटोमेटिकली आ रहा है। बेसिकली क्या है कि आज जब वोटर वोट देने जाता है, बहुत सी चीज़ों को अपने मद्देनजर रखता है कि क्या है क्या। और वैसे पूछें कि किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं? हमारे पास एक ही हमारा हक है, उसे वोट यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि बेसिक एमिनिटीज नहीं है क्या? रिपोर्टर्स इस बड़ी कवरेज पर अलग अलग लोकेशन से हरियाणा के अलग अलग सीट से रिपोर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया दोनों सहयोगियों का।